सदन में जीएनसीटीडी बिल पास होने के बाद आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और बताया कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी से डरते हैं। प्रधानमंत्री को अच्छे कामों की चर्चा और तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मोदी जी नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। क्या कहा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, देश के लोगों के लिए काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए, और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है, स्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुए, कैसे हुए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर लिए गए। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए। आज दिल्ली के स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कॉम्पिटिशन में जाने लगे, आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है, भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकार है पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई स्कूल में काम क्यों नहीं किया, इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिला के मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं, ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए, ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया। आज जहां भी जाओ, हमारी तो नई नई पार्टी है, चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं कि काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। आज चुनाव हो रहे हैं तो सूरत के चुनाव में आप सबने देखा किस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल को जनता ने वहां स्वीकार किया है, किस तरह से आज हिमाचल के गांव-गांव में भी चुनाव हो रहा है तो लोग मॉडल अपने यहां भी लागू करें, हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी